फ्रेंड्स, आज हम करेंगे टंकी साफ। बहुत गंदी हो रही है, बहुत गंदी वैसे नहीं हो रही लेकिन हल्का हल्का सा काई हो जाती है पानी की वजह से समर्थन के। और आज के ब्लॉग में करेंगे टंकी साफ। मैंने वैसे थोड़ी खाली कर दी है, सारी टूटियां खोल रखी हैं, कुछ निकाल दिया बाल्टी से पानी, कुछ अभी भी है। ये देखिए टंकी हो रही है ना, ये काई सी हो रही है, बाकी तो कोई बात नहीं। बाकी मौसम भी अच्छा है, आज धूप इतनी तेज नहीं है ये टंकी के अंदर। और ये गैस करो, कौन घुसेगा टंकी के अंदर, कौन घुसेगा टंकी के अंदर जो सफाई करेगा टंकी की। गैस कीजिए, अभी दिखाती हूँ मैं थोड़ी देर में ही कि कौन टंकी खाली होते ही कि कौन घुसेगा। और ये देखिए पेड़ पौधों की मौज आ गई। रात बारिश हुई, हमें पता भी नहीं चला, जाल भी नहीं ढक पाए थे, पता भी नहीं चला। और वैसे अभी मेरा सारा काम भी बड़ा है, मैंने अभी सिर्फ वान बारिश कर दे इन पौधों के लिए, इन बच्चों के लिए मेरे। और बारिश हो गई, मज़ा सा आ गया बारिश होने से। और आप सब क्या कर रहे हैं सुबह के टाइम, कमेंट करके बताइए मुझे। अभी दिखाती हूँ फ्रेंड्स टंकी के अंदर, जब घुसती हूँ तो तब दिखाती हूँ कैसे छलांग मार के घुसना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड, बारिश नहीं होने की वजह से ये बेंगलोरी गुलड़ है, ये फ्लावरिंग नहीं कर रहा था। रात बारिश आई है तो हल्का हल्का सा इसमें कली बन रही होगी पहले से थोड़ा बहुत, तो ये और ये नॉर्मल पे तो सही आ रहे हैं। इतना ये धूप को इतना नहीं मानता, ये कहता है मैं तो हर चीज़ के लिए तैयार हूँ, धूप आए धूप बारिश। लेकिन ये थोड़ा नाजुक है, आज थोड़ी बारिश आई है रात को और मौसम बहुत अच्छा है तो इस वजह से। कल भी मौसम बहुत प्यारा था। ये देखिए फूलों को तो ऐसे बाहर मिल जाती है ना कि बस इन्हें लगता है कि हमारी ज़िंदगी हमें मिल गई। मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है एक बेवफा। इसमें फिर से खा दी जो कल मैंने उखाड़ा है, कल सारी ये गेंदे का सीजन चला गया ना, तो ये सारे तोड़े हैं, फिर से इसको भर रही हूँ वापस से, ये फिर से गल जाएगा। और ये मिट्टी वगैरह भी इतनी अच्छी हो गई है इसकी, फिर से भर। आज छत पे टंकी साफ करने के लिए आए हैं तो फिर यही होता है ना कि टंकी साफ करने के लिए आए तो एक काम और एक्स्ट्रा कर ले, इसी को तो कहते हैं कि दिमाग। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने भर दिया, फिर से इसको भर के रख दी है और मैं इस कट्टे के ऊपर रख देती हूँ उसको, जो थोड़ा बहुत पानी वानी निकले, ये खाद वाद निकलता तो इसके कट्टे पे निकलता है। और फिर दो चार दिन में कटिंग करूंगी तो फिर दिखाऊंगी आपको कि कटिंग करके फिर से भर दो। तीन चार महीने के लिए रख, ऐसे ही होते होते बिल्कुल मिट्टी हो जाएगा। थोड़ा बहुत जो दिख रहे हैं ना ये लकड़ियाँ वगैरह जो पतली पतली कटिंग दिख रही है पेड़ पौधों की, जो मैंने कटिंग की लकड़ियाँ देखी हैं, सब गल जाएगा। और ये गमला तैयार हो जाएगा और इसको साइड से बांध के ऐसे, और इसमें फिर मैं और पेड़ पौधे लगाऊंगी और कुछ लगा दूंगी, बेल वगैरह लगा दूंगी कोई, क्योंकि बाल्टी या बाल्टी में चल जाते हैं। देखिए फ्रेंड, अब टंकी के अंदर घुसने का समय आ गया। आफ्टर ऑल कौन घुसेगा, बेटा तो जाएगा नहीं, मैं ही जाऊंगी अंदर टंकी के साफ करने के लिए, क्योंकि वो तो कूदेगा धम करके, टंकी को नुकसान हो जाएगा उससे, इसलिए मैं ही जाती हूँ आराम से। फ्रेंड्स चलिए अब टंकी के अंदर चलते हैं, बहुत टाइम बाद साफ करूंगी। लगी हूँ टंकी साफ करने में फ्रेंड्स, पहले इसका पानी बाद में निकालूंगी, पहले इसमें जो थोड़ा बहुत पानी रह गया ले दक्ष बाहर फेंको बस बंद। देखिए फ्रेंड्स, आपको टंकी साफ करने के लिए एक बोतल काटनी है, एक मग्गा चाहिए और एक छोटी बाल्टी चाहिए और एक वाइपर चाहिए साफ करने के लिए। ये देखिए अभी मैं टंकी धोऊंगी भी, ऐसे साफ करने के लिए चाहिए, और एक ब्रश चाहिए। ब्रश का देखिए क्या हाल हो गया है ब्रश चाहिए बस। अब साफ करके आपको दिखाती हूँ, वैसे मैंने कर दिया देखो नीचे से सारा, बहुत काई हो गई थी, कर दिया। बोतल से ये होता है फायदा, इसकी पतली ये चीज होती है ना, इससे जल्दी जल्दी साफ हो जाता है। कूलर साफ करना हो, कोई भी चीज साफ करनी हो, सारी टंकी साफ कर दी। देखिए पोछे से कितनी अच्छी लग रही है ना, पहले कितनी गंदी लग रही थी। देखिए फ्रेंड, टंकी में बैठी हूँ, चारों तरफ से साफ कर दिया बिल्कुल एकदम, टंकी का व्यू दिखा रही हूँ आपको, बिल्कुल साफ हो गई है। देखिए फ्रेंड, टंकी साफ हो गई है, आराम से आप बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक औरत क्या नहीं कर सकती है, एक बच्चे की माँ क्या नहीं कर सकती है। टंकी साफ कर दी मैंने, मेरे हस्बैंड कह रहे थे
कि मैं छुट्टी होगी उस दिन साफ करूंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप अपना ऑफिस काम करो, टंकी हम साफ कर देंगे। अब मैं निकल जाऊं, हो गई टंकी साफ, मोटर चलानी रहेगी बस। वजन है ना, ये लगता है टंकी को भी नुकसान ना हो और सब काम बिल्कुल परफेक्टली होना चाहिए। ये नहीं कि फोड़ के तीन काम आगे उठा।